नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है अडानी का। जी हाँ, अडानी की बात करूं तो अडानी जी और पवार साहब के बीच में कुछ समझौता हुई है, कुछ फंड की समझौता हुई है। एक तरफ जो है धारावी को विकास के लिए महाविकास आघाड़ी के ही दूसरे दल यानी उद्धव ठाकरे की सेना जो है विरोध कर रही है, दूसरी तरफ पवार साहब जो है अडानी से फंड लेके जो है कंप्रोमाइज कर रहे हैं। क्या है इसके पीछे मायने, लेकिन इसके लिए विषय में बात करूं, लेकिन आपको एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पहली बार देख रहे हैं या लिंक के थ्रू देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आप हमारे मेंबर बन जाइए और आपके मुद्दे जो है हम अपने चैनल में जो है अपने चर्चा वीडियो में चर्चा में जरूर लेंगे और उसको जो है शासन प्रशासन तक पहुँचाएंगे और न्याय की जो है जो न्याय आपको चाहिए वो हम दिलवाएंगे। अब आगे सर आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सर क्या लगता है सर, ये जो दो चीज़ें जो सामने आ रही है, एक तरफ जो है धारावी को विकास के लिए लेके विरोधाभास चल रहा है यानी उद्धव ठाकरे विरोध कर रहे हैं उसका, और दूसरी तरफ पवार साहब जो है अडानी जी को बुला के जो है फंड को लेके कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, क्या ये सब? सर थोड़ा आपका गलतफहमी मैं दूर करना चाहता हूँ, जो सच है वो सच है जी। शरद पवार जी और फंड ऐसी कोई वो बात नहीं है जी। क्या है ना, एक बारामती में इनका एक टेक्नोलॉजिकल पार्क है जी। उस टेक्नोलॉजी पार्क जो था उसकी प्रोडक्शन निर्मित के लिए लोगों से वो चंदा ले रहे थे, बहुत सारे लोगों ने चंदा दिया है। पवार साहब ने, पवार साहब का आशीर्वाद से वो बन रहा था टेक्नोलॉजिकल पार्क सेंटर, तो उसमें बहुत सारे सरकार ने भी बहुत सारी करोड़ों की मदद की है। उसमें 25 करोड़ रुपया गौतम अदानी साहब ने शरद पवार के कहने से वो टेक्नोलॉजी सेंटर जो था उसके लिए दिए। ये कोई किसी के मामले में खिसे में पार्टी के फंड में नहीं गए हुए, ये टेक्नोलॉजी पार्क के लिए। तो सर वो देखो, मेरे पास अगर कुछ पैसा है तो मैं भी कर देता हूँ ना लोगों को, भाई कोई अच्छा लड़का दिखाई दिया तो उसको भी मैं बोलता हूँ कि भाई चल तो ये सीख ले। मैंने कितने लोगों को कितने कोर्स करवाए हैं कि चल मैं पैसा देता हूँ। तो ये उन्होंने 25 करोड़ दिया, इसमें कोई बात नहीं। अब ये मुद्दा आता है आगे और उसका अर्थ आप बोलते उससे अलग निकलता है। मेरे कहने से आपका अनुमान बता सकते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि आज की तारीख में अदानी सबका सबसे बड़ा दुश्मन या ये कौन है, तो राहुल गांधी है नहीं क्या? राहुल गांधी अदानी के ऊपर टीका करता है, बाकी कौन इतने ज़्यादा नहीं करते हैं। राहुल गांधी करता है, वो तो उसके लिए दुश्मन है। तो ये 25 करोड़ समझो इन्होंने दिए जी, जरूरी नहीं था अगर पवार साहब नहीं बोलते थे कि भाई 25 करोड़ इन्होंने दिए तो लोगों को मालूम नहीं पड़ता था कि इसने 25 करोड़ दिए। और अदानी भी इतना बड़ा आदमी है भाई, लाखों करोड़ों का खेल है उसका, उसमें 25 करोड़ मामूली है। मेरे लिए 25 रुपये, तुम्हारे लिए 25 रुपये जितना है, उसके लिए 25 करोड़ है। तो उसके लिए वो नहीं चाहेगा कि पवार साहब बोले कि 25 करोड़ तो नहीं दिले, ऐसा बोलने की जरूरत नहीं उसको, उससे कोई ना खुश होगा ना कुछ होगा। तो उसको खुश करने के लिए पवार साहब को बोलने की जरूरत है नहीं। और वो दोस्त हैं सर, गुजरात में जब उनका प्रोजेक्ट खुला अदानी का, तो उन्होंने मोदी में नहीं, मोदी को नहीं बुलवाया उधर, मोदी दोस्त हैं उनके, फिर भी उनको बुलाने के बजाय शरद पवार के हाथ से अदानी के प्रोजेक्ट का वहाँ के गुजरात का उद्घाटन हुआ। क्या बात है, अकेले गए पवार साहब? ये कब की बात है सर? एक 6 महीने पहले की। क्या बात है, तो उसका प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसने किया? पवार साहब ने किया। और एक दिन रहे वो अदानी के बंगले पे, उनकी बहुत सारी चर्चा हुई भावी इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है वगैरह वगैरह। तो अदानी और पवार ये जो है वो क्या है ना, मानस पुत्र और दत्तक पुत्र जैसा है। तो सर जब तो सुनो ना अभी कहानी मेरी आ गया है सुनो। पवार साहब ने जानबूझकर ये 25 करोड़ की बात की ताकि उनको दो मैसेज देने थे। एक मैसेज राहुल गांधी एंड कंपनी जो है उनको देना था कि आप अदानी के ऊपर कुछ भी बोलो कुछ भी करो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, फुलिया फर्क नहीं पड़ता है, मैं अदानी का दोस्त हूँ, अदानी का दोस्त रहूंगा, अदानी का साथ रहूंगा, अदानी मेरा साथ देंगे। ये मैसेज उन्होंने कांग्रेस को दिया, कांग्रेस को दिया, राहुल को दिया। अच्छा, तू कितना भी बकबक कर उनके खिलाफ, मैं उनके साथ हूँ। एक ये हो गया। दूसरा ऐसा हो गया कि मोदी साहब को भी उन्होंने मैसेज दे दिया कि देखो तुम्हारा मेरा कॉमन फ्रेंड है अदानी, जब भी कोई दिल में अच्छी बात आए, सॉफ्ट बात आए, कोई मैसेज देना है, ये देना है, तो मैं अदानी का अधिकार मान्य करता हूँ। इसके पहले भी अदानी ने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है, पर अभी भी कर सकता हूँ उनका। तो मेरे ऊपर 25 करोड़ मामूली चीज सर, शरद पवार के लिए तो मामूली है, मामूली है। उसके लिए तो 25 पैसा नहीं है, 25 करोड़ मतलब। तो ऐसा है कि उन्होंने
मोदी साहब को भी मैसेज दिया कि भाई अदानी हमारे भी परम मित्र हैं, उनको विदुर की भूमिका दे सकते हैं आप, महाभारत में किया था ना शिष्टाई दोनों में, विदुर कर सकते हैं, कृष्ण कर सकते हैं उनको, और आपकी शिष्टाई होगी तो हम लोग थोड़ा सोचेंगे, एक दूसरे के साथ बैठेंगे, तो एक रास्ता खुला रखा उन्होंने, जो अदानी टनल है वो खुला रखा, ये टनल से अंधेरे में लोगों को बिना पता है वो जा सकते हैं कभी भी, तो ये एक हुआ। दूसरी और बात इसमें समझनी चाहिए कि सर किसी का द्वेष करके कुछ नहीं होता है, भला कभी नहीं होता किसी। माझे एक चांगलं वाक्य है मराठी में कि श्रीमंतीचा द्वेष करून श्रीमंत नाही होता है, श्रीमंतीचा द्वेष करके आप श्रीमंत नहीं बन सकते, आपको श्रीमंती के ऊपर ऐश्वर्य के ऊपर प्यार करना होता है तभी आप श्रीमंत बन सकते हैं। वही पवार साहब कर रहे हैं, वही करते हैं सर। आप अदानी के ऊपर प्यार करेंगे तो आपको अदानी बनने की स्फूर्ति आएगी, आप जरंगे के ऊपर प्यार करोगे तो जरंगे जैसा सड़ा फटिंग दिखना पड़ेगा आपको, हाँ फिर आप ही भिकमंगे हो जाएंगे, है कि नहीं? दान अनुदान पे जीते वो वही है, एक प्रकार की भिकमंगी गिरी है। तो आप अदानी का प्यार करो, अदानी पे उसको आदर्श रखो ना, फालतू आदर्श क्यों रहते हैं। उद्योग जी ने क्यों नहीं किया ये चीज? तो उद्योग जी को पैसा चाहिए अदानी से, सीधी बात है। तो पवार तो मुंबई का दे सकते सबसे बड़ा खंडनी खोर अगर कोई होगा जी तो उद्योग ही है, सबसे खंडनी मानता हुआ घूमता था, चीफ मिनिस्टर था तो अपने मंत्रियों से खंडनी लेता था, है ना, अपने पास पूरा कोरोना काल में कितने लोग मर रहे थे, उसको बोलो 100 करोड़ का मुकदमा मुझे मेरे ऊपर ठोक दिया, अभी इतने लोगों ने ठोका है, वो उसको भी बोलो सर उसके मंत्री खिलाफ रहेंगे, जो ठाकरे गुट से घूम के शिंदे गुट में आए ना, उसमें से ही कुछ लोग बताएंगे हमने कोई, अरे जाधव बोलता है वो कि मैंने 9,000 करोड़ दिए इनको स्टैंडिंग कमेटी से, अभी और क्या चाहिए आपको, सबने दिए जी, सबने दिए, तो वो उसको क्या है ना अदानी से नहीं मिला है उसको ना, जब तक कान में ऐसा पैसे की फड़फड़ नहीं आती है, कॉइन नहीं होता है ना अभी फड़फड़ आती है, वो फड़फड़ नहीं आती है तब तक वो शांत नहीं रहते हैं, उसको फड़फड़ चाहिए तो चाहिए, हाँ आवाज चाहिए पैसे का, तो वो मिला नहीं है अभी उसको। और अदानी ने देखो, अदानी भी होशियार है, उन्होंने कैसे है ना कि हमारे गाँव में क्या होता है ना, जब गाँव के बाहर जो दगड़ रहते हैं पत्थर रहते हैं ना, उनमें से एक ये रहता है पीरोबा रहता है, वेतोबा रहता है, डाड़ोबा रहता है, भाड़ोबा रहता है, सोड़ोबा रहता है, ऐसे छोटे छोटे ग्राम दैवत रहते हैं जी, और सबको थोड़ा 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 खिलाया जाता है, एक प्रसाद दिया जाता है, ये प्रार्थना की जाती है सर। ऐसे मुंबई में जो एक 10-12 ऐसे वेतोबा टटोबा टटोबा है, उनमें से एक उद्धव है अभी, वो पहले मुख्यमंत्री था तब वेतोबा नहीं था, उसका मंदिर था, अभी मंदिर का बाहर का ग्राम दैवत हो गया, तो उसको भी मिलेगा, मिलने वाला ही था जी, मगर उसको क्या है ना, वो माजी मुख्यमंत्री में से जो माजी है ना, वो उसके दिमाग में अभी तक जाता नहीं है, वो अभी भी मुख्यमंत्री है समझ के ही चलता है। जिस दिन उसको समझेगा मैं अभी नहीं हूँ प्रेसिडेंट, मैं माजी हूँ, मेरा गया है मुख्यमंत्री पद, वो जो वाजपेयी होते मैं मेरे हिसाब से धारावी का प्रोजेक्ट जो है उससे एक अंदाजा लगा, तो वो मेरा अंदाजा नहीं है असल में, किसी जानकार का अंदाजा है, वो बोला कि धारावी प्रकल्प जो है उसमें उद्योग जी को कम से कम 500 करोड़ मिलने चाहिए पार्टी फंड के लिए अदानी से, इतना उनका महत्व है, वो नड़ सकते हैं 500 करोड़ के लिए नड़ सकते हैं, और वो नड़ने की भाषा है ये, क्या मिल जाएगा सर? अदानी का ऑफर उनको 100 करोड़ के हैं, है हाँ सर। अदानी ऐसा किसी को भूखा प्यासा नंगा नहीं रखता है, लंगोटी तो देता है किसी की, अभी तुम लंगोटी के रहे बात रहो तो लंगोटी ही देगा ना, तो पूरा धोतर है वो दूसरे और को देना पड़ेगा, उसको भी देगा ही वो, इसको दे तो देगा, तेरे को लंगोटी देगा, अभी तेरे को लगता है नहीं मेरा लंगोटी नहीं, मेरा बड़ा है, मेरा और धोती चाहिए करके तू नड़ के बैठा है सर। ये ऐसे मामले निकल जाते हैं, जितने बड़े उद्योग धंधे वगैरह रहते हैं ना उसमें बाद में वो सेटलमेंट होता है। मैंने खुद 200 करोड़ की फैक्ट्री गोवा में खुली थी और उसको ये पर्यावरण वाले नड़ रहे थे, ऐसे नोट रहे थे, और वो 50 करोड़ सर, 200 करोड़ की फैक्ट्री, उसमें साले वो 50 करोड़ मांग रहे थे, गोवा की बात कर रहे हैं, और मैं और परिकर अपने मुख्यमंत्री थे ना, मनोहर परिकर हम दोनों दोस्त थे तो उन्होंने मुझे बुला लिया, बोले ये लोग मस्ती कर रहे, 50 करोड़ मांगे, इनकी औकात 5 करोड़ की, उससे ज़्यादा नहीं है, वो देने को तैयार है, 10 करोड़ देंगे, चल उनको ऑफर दे के तू सबमिट कर ले, क्योंकि मैं जाऊँगा तो वो बड़ा सर उस समय वो विरोधी पक्ष नेता अच्छा, थे अच्छा। और मुख्यमंत्री बाद में बने ही वो, तो सर मैंने कितने जैक लगाए, मेरी महत्ता नहीं बता रहा हूं, मैंने रोम के पोप से सोनिया गांधी को एक
मैसेज लाया, मतलब फ़ोन किया उन्होंने कि भाई ये जो प्रोजेक्ट है उसको आपके पर्यावरण वाले, और वो भी क्रिश्चियन है सब, वो नड़ रहे हैं, तो उनको जरा समझाइए आप। उसने अरे वो कम मैसेज, और वो भी क्रिश्चियन सोनिया के लिए, मतलब भगवान साक्षात उसको मिल गए ना। उसने तुरंत मैसेज भेजा, वो जो थे क्रिश्चियन नड़ने वाले वो शांत हो गए, बाद में मीडिया वाले नड़ रहे थे तो 50 करोड़ उनको भी शांत कर, नहीं 50 नहीं मिला सर, उनको मेरे ख्याल से 10 करोड़ दिया जो सही था उतना ही दिया था। तो और पत्रकारों को एक मेरे ख्याल से सब मिलके, वहाँ तो सिर्फ एक फेड़ी की बोतल और 500 रुपये में काम करते थे पत्रकार पहले। मैं पत्रकार हूँ वहाँ के, पत्रकार आज भी याद करते हैं जिसने फैक्स मशीन, फोन्स, मोबाइल फोन्स का वर्षाव किया उनके ऊपर, और भी बहुत कुछ दिया, कैश भी दिया बहुत सारा, मगर वो आंदोलन के बारे में वो फैक्ट्री चालू हो गई आराम से। सर ये सभी प्रोजेक्ट में ऐसा होता है, आप कोई भी प्रोजेक्ट सर, आप हाउसिंग में बंगला बांधने जाए तो भी इर्द गिर्द वाले गुंडों को देना पड़ता है, जैसे बड़े गुंडों को बड़ा देना पड़ता है, उसकी अपेक्षा भी बड़ी रहती है। तो उद्योग का मामला जो है उसमें तो चलो आते हैं शरद पवार की तरफ, तो उन्होंने इसको भी मैसेज दिया उद्योग को कि ज़्यादा उद्धटपना मत कर, मैं पैचअप कर सकता हूँ इसका। तो ये 25 करोड़ मेंशन करना जानबूझ कर किया उन्होंने, मोदी को मैसेज दिया कि भाई ये हम मानते हैं, ये तुम्हारे हमारा भाई एक है, भले सगे नहीं है मगर सौतेले भाई तो है हम, इसको भी मैसेज दिया कि भाई अदानी अपने कहने में है तो 500 करोड़ का लखरा मत कर, मैं 100 करोड़ भी निपटा देता हूँ, 25 करोड़ मेरे को दिए है फंड करके इसके ये सर। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग आदमी को देने के बजाय उसकी संस्था को देते हैं, मेरे कितने दोस्त हैं वो बोलते अनिल इसको कैश कैसे देंगे, आजकल कैश मैनेज नहीं होती है सर इतनी, तो बोलते हैं इसकी कोई संस्था भी होता है क्या, हमको भले टैक्स रिबेट नहीं मिले इसकी संस्था को ही दे देते हैं चैरिटी करके, सर चैरिटी करके वो ऑन चेक देते हैं, तो इसकी भी बहुत सारी संस्था है उनको भी चैरिटी, अभी इनको 25 करोड़ दिया इसको 250 करोड़ दे सकता है, वो बात आई तो अभी 100 करोड़ का ही सौदा मेरे ख्याल से लटका हुआ होगा, पर सबको दिया सर। ऐसा मुंबई में कोई पार्टी एक अपवाद छोड़ के ऐसा बोलना पड़ता है तो छोड़ के नहीं होगी कि जो अदानी से सर पैसा गली के गुंडे से लेके सर सब निकालने वाले पैसा अदानी का, आदानी को जिना जितना खर्चा अदानी को धारावी प्रोजेक्ट करने में आएगा उसमें आधा खर्चा तो लोगों में बांटने में जाएगा, ये भी फैक्ट है, और वो आदानी तैयार है उसके लिए, अदानी है करती, अगर दूसरा कोई देता इतना तो नहीं होता कम से कम, नहीं नहीं सर सभी को करना पड़ता है, देखो सभी को करना पड़ता है, नहीं किया ना अडानी तो पर्यावरण के नाम पे विरोध करते हैं, अडानी है तो अडानी नाम से मुंह बड़ा खुलेगा ना सर, अडानी हाँ, वो भी होता है ना, वो होता है अगर वहाँ छोटा आदमी रहता कोई, ये बात है ये बात आप सही बोले, नहीं सही बोले कि अडानी का नाम आया तो हो जाता है उसका, तो वो ज्यादा खड़े इसीलिए तो 100 करोड़ मांग रहे हैं ना, वो छोड़ो। मगर पवार साहब को सब जगह से उनकी सर संस्था है सर, अभी एक बात बताता हूँ और खत्म करता हूँ, सर पवार साहब की एक संस्था है और वो एजुकेशनल संस्था है बोले तो सुप्रिया उसका काम देखते हैं सर। गणेश नाइक ने जब वो मंत्री था राष्ट्रवादी का, तब जितने फैक्ट्रीज थे, दारूबंदी का था और इसका एक्साइज का था और कामगार मंत्री बात है कुछ समय तक, जितने फैक्ट्रियों को बंद करने का परमिशन दिया उसके हिसाब से उसने अपना पैसा निकालने के बाद शरद पवार के ट्रस्ट को भी पैसा देने के लिए सबको मजबूर किया और बोला कि इतना लाख इतना लाख इतना लाख, और उसने बोला कि एम्बुलेंस के नाम पे दे दो 20 लाख की एम्बुलेंस, 30 लाख की एम्बुलेंस, 2 एम्बुलेंस, 10 एम्बुलेंस, 25 एम्बुलेंस के नाम से ऑफिशियली चेक से पैसा दो उनको, और उसके शरद पवार जी के ट्रस्ट को उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए प्राप्त करके दिए, खुद को भी लिए और उसको कैश लिए, इनको ट्रस्ट के नाम पे दिए सर टोटल। गणेश नाइक ने मुझे एक बार बताया कि उसने बोला कि पवार साहब के ट्रस्ट को मैंने 700 एम्बुलेंस दी, जितने कारखाने बंद हुए हर एक में उसने एम्बुलेंस देने को कंप्लेन, अरे ये दिखा सकते हैं सर, ये कोर्ट में मैटर जाता है ना कभी, तो खाली इतना ही करना है कि कौन सा कारखाना बंद हुआ, कब हुआ और उसके अगल बगल में कौन सी तारीख को पवार साहब के प्रतिष्ठान को ट्रस्ट को डोनेशन करके उसी फैक्ट्री ने कितने दिए बंद करने के लिए। हाँ तो कारखाना बंद करना था, उसकी परमिशन देने इनके हाथ में थी तो बंद करने की। सर मेरा मित्र है, आपका भी मित्र है, परसों हम खाना खाए उसके साथ, नाम मत लो खाली, उसकी फैक्ट्री का वो फैक्ट्री कंसल्टेंट है वकील मगर फैक्ट्री कंसल्टेंट है, उसने 30 लाख रुपए दिए फैक्ट्री बंद करने का,
बाकी दूसरी की बात छोड़ो, गणेश नाईक ने बोला वो छोड़ो, देने वाले अपने वो पहचान में, तो ये चलता रहता है सर। ठीक है, अभी उद्योग जी को 100 करोड़ मिलेगा, ऐसा बार्गेन करेंगे 150-200 तक जाएगा, तो शांत हो जाएंगे, अदानी का प्रोजेक्ट हो जाएगा। और शरद पवार साहब ने अच्छा मैसेज दिया कि भाई कोई है सर, ये होर्डिंग लगाते हैं ना अपने लोग जी, मंत्री लोगों के साथ, मुख्यमंत्री के साथ, इसके साथ, वो क्यों लगाते हैं? उसका एक ही है कारण, मैं इनका दलाल हूँ ना, मैं इनका दलाल हूँ। कोई इनके पास अगर कोई काम है तो मेरे पास हो, ये सब मुंडी जो नर मुंडी लगा रहती है ना, बहुत तेज ऐसी सर, उनका सबका पर्पज यही रहता है, पोस्टर जो मुंडिया रहती है, हाँ पोस्टर में बड़ा मुंडी रहेगा, हाँ जो बड़ा मुंडी रहता है वो बड़ा दलाल रहता है, डायरेक्ट उसके पास जाने का, फिर साहब के पास वो लेके जाता है, और ये छोटी मुंडिया जो है वो गली में नहीं, वो छोटे बड़े मुंडी के बीच रहते हैं, हाँ वो भी है। तो सर पोस्टर और होर्डिंग का दूसरा मतलब नहीं है, नहीं नहीं, डिक्लेयर करना है, पूरे महाराष्ट्र में चलता नहीं है, देश भर में चलता है आजकल ये पॉलिटिकल होर्डिंग, उसमें यही है कि ये जो साहब है उनका बड़ा भड़वा मैं हूँ फोटो, और साहब भी देखते हैं घूमते हुए ना सर, हाँ देखते हैं ना मेरे समर्थन को, अरे वाह मेरे सब भड़वे आ गए इस, चलो छोड़ो दलाल ना भड़वे में शब्द मांगे ले। पिछली बार भी सर एक वीडियो में आपने कोई 2 दिन पहले वीडियो बनाए थे, कुछ पुलिस वालों को मेरे फोन आए, उसमें उन्होंने आपने फडणवीस साहब का वो कुछ डॉग से कंपेयर किया था, तो उसके लिए भी आप सॉरी बोल देते हैं कि भाई पुलिस को कुत्ता कहना हमारा कोई मकसद नहीं था, लेकिन कुछ बराबर फडणवीस साहब आपने जिगरी दोस्त है, उनके लिए कुछ भी जी जी माफी मांगने में क्या है जी, तो हम उसके लिए इज्जत करते हैं, जी जी इज्जत करते हैं, अगर ऐसा कुछ है तो हम उसके लिए माफी मांगते हैं। तो बस बने रहिए हमारे साथ, हमारे अलग अलग मुद्दों के लिए देखते रहिए हमारा, तो ये बड़वा शब्द भी पीछे ले लेते, दलाल रख देते, दलाल जी, चलो तो अलग अलग मुद्दों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद, जय महाराष्ट्र, जय भारत, जय श्री राम।